दोस्तों हम सिर्फ एनएस विद्यार्थी है, लेकिन साथ में हमारे पे क्या होता है कि हम एनएस विद्यार्थी है लेकिन हमें कई सारे सवालों के जवाब हमें नहीं पता। हमें बताने वाला नहीं है कि असाइनमेंट क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, एकेड क्या है, एग्जाम कब होगा, डेट शीट क्या होगी, कई तरह के हमारे पे क्या होते हैं या सवाल होते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब बताने वाला कोई नहीं होता। हम अपने स्टडी सेंटर जाते हैं, रिजल्ट सेंटर जाते हैं, कई सारे दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर सही तरीके से आंसर किसी को नहीं पता। ये क्या होता है कि कई बार हम क्या होते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा। दोस्तों याद है पिछले संडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए थे, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफी अपना आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसके बाद क्या है कि कई सारे और विद्यार्थियों के और सवाल आए, और यहाँ देखा जाए आज इस वीडियो में मैं आपके पिछले संडे से लेके आज तक के जो हमारे यहाँ पर सवाल बनते हैं आपके, मैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखा जाए तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं, आपके सवाल हमारे जवाब। तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे हमारा पर देखा जाए सवाल बनता है, सवाल हमारा बनता है हमारा पर विशाल सिंह। तो विशाल सिंह है, इनका सवाल बनता है हमारा पर पहला, सर टीएमए पेंडिंग शो हो रहा है तो कब तक सबमिट दिखाएंगे? सर आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे? तो यहाँ पर देखा जाए आपने दो सवाल पूछे हैं, तो यहाँ पर विशाल सिंह आपके यहाँ पर दो सवाल है। पहला सवाल इसमें आपको बताता है कि यहाँ पर आपका टीएमए पेंडिंग यानी कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जब स्टेटस चेक करते हैं तो वहां आपको क्या दिखा रहा है, असाइनमेंट पेंडिंग यानी कि यहाँ पे आपका असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन यह है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी वो आपको पेंडिंग दिखाएगा, कभी नोट सबमिट दिखाएगा। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है और आपके पास असाइनमेंट सबमिशन की स्लिप है तो आपको कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, आपके असाइनमेंट नंबर आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप असाइनमेंट की स्लिप लेके अपना रिजल्ट सेंटर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही टाइम में आपको क्या है सबमिटेड वहां पर शो कर देगा, नहीं करेगा तो आप अपना रिजल्ट सेंटर जाके पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला जो सवाल बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है ओशो शांति, इनका सवाल बनता है सर आपके चैनल पे एनएस 10th साइंस के क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं है हिंदी में? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट क्या सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं क्लास 10th के, क्लास 12th के, ऑलमोस्ट जो भी सब्जेक्ट बनते हैं सबकी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है इन वीडियो को बनाने में लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इन वीडियो को बनाने में टाइम लगता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपकी जो साइंस है 10th क्लास की हिंदी मीडियम में तो वो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सुनीता बिस्वा, सुनीता बिस्वा इनका सवाल बनता है हमारा पर अक्टूबर एग्जाम होगा कि नहीं होगा? सर अगर होगा तो कब होगा और एग्जाम फीस कब जमा करना है? अक्टूबर तो चला गया। तो यहाँ देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों का, हजार लाख विद्यार्थियों का यही सवाल है कि हमारा अक्टूबर एग्जाम कब होगा, अक्टूबर का महीना गया, नवंबर का महीना आ गया, कब होगा एग्जाम? तो यहाँ देखा जाए इस चीज को लेके एनएस वालों को ही पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि वो कब किस हिसाब से एग्जाम ले, इसी चीज को लेके होता है उन्होंने अपना एग्जाम फीस शुरू नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम फीस शुरू कर देंगे तो फिर क्या है ना पूरा आगे का प्रोसेस शुरू कर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पर जो अभी हमारा अक्टूबर एग्जाम का जो सेशन बनता है अभी हमारा पर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अफवाह वाली बात है कि यहाँ पर देखे यूट्यूब पर बहुत से जो चैनल है जिन्होंने अपना अक्टूबर एग्जाम के बारे में अलग अपनी सोच दे रखी है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे हमारा पर अभी तक एनओसी वेबसाइट पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि अक्टूबर के एग्जाम कब हो गए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आपके जब भी एग्जाम हो गए चाहे वो अपना दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में, कभी भी हो, आपका जो क्या है अक्टूबर 2020 ही सेशन माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर अक्टूबर 2020 में एग्जाम देने का बनता है और आपके एग्जाम जो है बाद में भी होते हैं तो भी आपका जो है पास ईयर वो अक्टूबर 2020 ही माना जाएगा, तो ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है, यहाँ पे हमारा पर शेजिल जेदी, शेजिल जेदी इनका सवाल बनता है एग्जाम फीस कब स्टार्ट होगी या फिर प्रमोट पास हो गए या हमारे ईयर वेस्ट होगा? तो यहाँ देखा जाए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारा पर एनएस वर्ल्ड पे एग्जाम फीस शुरू नहीं करी है, अभी वो क्या है कि हो सकता है इनकी सबकी तैयारी में हो कि उन्हें किस हिसाब से अपना एग्जाम फीस लेनी है, किस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराने हैं, किस हिसाब से प्रैक्टिकल होना है, तो इन सब के प्लानिंग होने के बाद ही वो अपना जो है एग्जाम फीस अपना वो लेना शुरू करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है हमारा पर मनराज जायसवाल, तो मनराज जायसवाल का सवाल है यहाँ पर सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन अकाउंटेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th। तो यहाँ पर जल्दी में यहाँ पर अकाउंटेंसी है, बाकी कुछ बचे हुए कुछ सब्जेक्ट भी है, तो इनके ऊपर भी मैं यहाँ पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए क्या है बहुत जरूरी है।
तो उन वीडियो का व्यू देखेगा। ऑलरेडी देखा है बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक सेंटर को विजिट करें, आपको वहाँ पर कई सारे जो है अपने सब्जेक्ट को लेकर कई सारी आपको वीडियो वहाँ पर मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है, इनका सवाल बनता है यहाँ पे हमारा ये है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, इनका सवाल बनता है हमारे पर सर एनओ सिस्टम 2 के एग्जाम और प्रैक्टिकल कब होंगे। तो यहाँ देखा जाए अभी हमारा पर जो है अभी तो वैसे देखा जो अभी अक्टूबर सेशन बनता है उसके एग्जाम फीस जब भी जाना शुरू होगी, तो जब एग्जाम फीस अपना क्लोज होने की होगी तभी डेट शीट वगैरह डाल देंगे, उसी डेट शीट में जो है आपके थ्योरी एग्जाम आपके प्रैक्टिकल वगैरह वो चीजों के बारे में आपको मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है यहाँ पर मोहम्मद शाहरुख है, इनका सवाल क्या बनता है, इनका सवाल बनता है सर आप कमेंट ऑफ क्यों रखते हो, अगर आपके पास रिप्लाई करने का टाइम नहीं है तो स्टूडेंट आपस में एक दूसरे का रिप्लाई करेंगे और सबकी हेल्प होगी, कमेंट ऑन कीजिए। तो यहाँ देखा जाए मेरे मोस्टली जितने भी वीडियो है तो सभी वीडियो पे मैंने क्या कर रखे अपना कमेंट ऑफ रखे है। वजह क्या होती है कि वहां पे बहुत सारे गलती क्या है कि अपना क्यूरीज आ जाती है, बहुत सारे वहां पर जो आलतू फालतू कमेंट आ जाते हैं, बहुत से वहां पे अपने दूसरे जो यूट्यूबर्स होते हैं अपने लिंक पोस्ट कर देते हैं, तो काफी सारे दिक्कत परेशानी होती है और मेरा काफी टाइम वेस्ट भी होता है इन सब चीजों में, काफी मेरा टाइम वेस्ट भी होता है। और यहाँ पर देखा जाए जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि हम सब विद्यार्थी आपस में दूसरे की हेल्प करेंगे, तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी फेसबुक पे एक मैंने ग्रुप बना रखा है एसटीएलसी और एक बनता है दूसरा एनओएस, तो एनओएस है तो ये दो ग्रुप है हमारा पर, जिसमें देखा जाए एक जो हमारा एसटीएलसी ग्रुप है उसमें हमारा पर करीब 7,000 से ज्यादा उसमें मेंबर है, और एक हमारा पर एनओएस जो बनता है यहाँ पर एनओएस इन ब्रैकेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, तो उसमें हमारा पर देखा जाए करीब 24,000 के आसपास उसमें मेंबर है। तो ऑलरेडी देखा जाए इतने सारे स्टूडेंट है वो आपस में दूसरे के सवाल जवाब करते हैं, आपस में दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यूट्यूब पर मेरे वीडियो के कमेंट में जाके आप अपने सवाल या जो भी है वो करने से अच्छा है कि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहां से आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने कई सारे सवालों के जवाब और या दूसरों के जो भी सवाल बनते हैं उनके जवाब आप दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए ग्रुप में क्या है हजारों स्टूडेंट है, ये हजारों स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें वो आपस में नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर क्या है संडे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अगला सवाल हमारा बनता है जसराज चौहान, तो जसराज चौहान है इनका सवाल बनता है हमारा पर सर असाइनमेंट कब मिलेगा, असाइनमेंट कब मिलेगा, आप जो है अपना एनएस वेबसाइट जाइए वहां पर आपको ऑलरेडी देखा जाए कि वहां पे डाउनलोड ऑप्शन में आपको वहां पे मिल जाएगा असाइनमेंट 2022-21 आपका 2020-21 वाला असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए जब अपना एनएस वेबसाइट पे आप अपना स्टोर लॉगिन करते हैं तो वहां पर डैशबोर्ड में भी आपको वहां पर टीएमए डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल बनता है, वो सवाल हमारा बनता है गौरंगी सिंह, तो गौरंगी सिंह है इनका सवाल बनता है हमारा पर सर एनएस इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फिर से टीएमए सबमिट करना होता है क्या और प्रैक्टिकल देना होगा। तो यहाँ देखा जाए आप यहाँ पर देखा जाए क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर असाइनमेंट क्या होता है एक बार सबमिट होता है, बार बार नहीं होता, आपने एक बार सबमिट कर दिया आपको नंबर मिल गए तब यहाँ पर आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आप जो देखा जाए क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल देना होता है, लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और तो ऐसे में आपके प्रैक्टिकल अगर हो चुके हैं पहले तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप दोबारा प्रैक्टिकल दें, अगर आप दोबारा प्रैक्टिकल देना चाहे तो दे सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर क्लास 12 में यहाँ पे फिलहाल तो हमारा देखा जाए दोबारा से प्रैक्टिकल देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास 10 में हमारा पर देखा जाए जरूरी होता है कि आप अपना जो है दोबारा से प्रैक्टिकल दें। कुल मिलाकर देखा जाए अगर आप जो क्लास 10th में क्लास 12th में प्रैक्टिकल देंगे तो उससे आपको फायदा ही है, क्योंकि आपका जो पिछले बार जो आपका नंबर होगा तो होगा क्या दोबारा प्रैक्टिकल देने से आपके जो नंबर इम्प्रूव ही होंगे, आपके नंबर घटेगे नहीं। इसके बाद हमारा पर देखा अगला जो सवाल बनता है, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर ड्रीम वर्ल्ड, इनका सवाल बनता है कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हिंदी होता है या इंग्लिश में, क्योंकि मेरा स्टडी लैंग्वेज हिंदी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका आता है पर इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी तो वैसे देखा जाए अभी आता नहीं है। अगर आप एनएस वेबसाइट पे जाएंगे तो एनएस वेबसाइट पे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी आपको मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप देखेंगे जो एनएस जो क्वेश्चन पेपर है वो एनएस क्वेश्चन पेपर कौन सा है इंग्लिश में है। तो यहाँ पर एनएस वेबसाइट पे आपको जो पिछला जो 2019 का अक्टूबर का एग्जाम बनता है
आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा किसमें, इंग्लिश में मिलेगा। इस बार यहाँ पर अगला सवाल बनता है हमारे यहाँ पर मिस एंगल सिंह। तो मिस एंगल सिंह, इनका सवाल बनता है, सर प्लीज अक्टूबर एग्जाम का बता दो, होगा कि भी अक्टूबर भी चला गया, नवंबर आ गया, कब हो एग्जाम। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, एनएस वाले क्वेश्चन को तो तैयारी कर ही रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। और यहाँ पर देखा जाए जब भी होगा तो आपका पास ईयर जो है अपना अक्टूबर 2020 ही माना जाएगा। अगला सवाल हमारा बनता है अरुण वरुण, इनका सवाल बनता है सर टीओसी के नंबर ऑनलाइन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जब अपना एडमिशन लेते हैं तब आपको अपना टीओसी के नंबर ऐड कराने होते हैं, अदरवाइज बाद में भी आप उसमें अपना टीओसी ले सकते हैं। तो आपका जो 10th है, 12th है, जो भी आपके फेल मार्कशीट है, कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट है, तो उसमें आप जिन सब्जेक्ट में पास है तो आप उनमें से जो है कि सब्जेक्ट जुड़वा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है क्या है कि अगर आप एनुअल बोर्ड से 10th या 12th फेल है और टीओसी ले रहे हैं तो मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का ले सकते हैं। अदर बोर्ड से क्या होता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी होता है। तो यहाँ पर आपको टीओसी लेना होता है, साथ में ले सकते हैं। और साथ में आपको करना क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट होती है आपको वो भी क्या होती है, अपने रीजनल सेंटर जमा करानी होती है। इसके बाद हमारा एक और सवाल बनता है जो कि बनता है हमारा पर केंद्र जट। तो यहाँ पर केंट जट है, इनका सवाल बनता है सर जी मैंने पिछले साल 2019 अप्रैल में 10th के एग्जाम दिया था और इसका रिजल्ट जून में आया था और मुझे मेरे स्टडी सेंटर से 3 सर्टिफिकेट मिले थे, पर सर जी 6 मंथ बाद पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो कब मिलेगा। और सर जी मैं स्टडी सेंटर गया था पासिंग सर्टिफिकेट लेने, वहां सर बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट होम एड्रेस पे भेज दिया है पर अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ देखा जाए कि आप जो पिछले साल अपना 2019 में मार्च अप्रैल में पास हो चुके हैं, मार्च अप्रैल के एग्जाम में पास हो चुके हैं, और यहाँ देखा जाए आपको पास होने के बाद 3 चीजें आपको मिली होगी, एक माइग्रेशन, एक प्रोविजनल, एक मार्कशीट। सर्टिफिकेट जो होता है लगभग 6 महीने बाद आपको मिलता है पास होने के, अगर आप उसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट वगैरह, किस तरह का उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आप नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको 6 महीने बाद मिलता है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कि अभी तक आपको जो है सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, लगभग हमारा पर देखा जाए 1.5 साल कुछ हो गया है यहाँ पर, लेकिन आपको अपना देखा जाए अब तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है और स्टडी सेंटर वाले आपको आपसे कह रहे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट आपको बायपोस्ट भेज दिया है। तो यहाँ पर देखा है सिंपल सा आपका यहाँ पर तरीका ही बनता है कि जहाँ पर जो टीचर है वो अपना जो कह रहे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है आपको बायपोस्ट भेज दिया है तो आप उन्होंने ट्रैकिंग नंबर ले लीजिए। यहाँ पर आपको जो बायपोस्ट भेजते हैं तो जो बायपोस्ट भेजते हैं उसमें क्या होता है ट्रैकिंग नंबर होता है, उस ट्रैकिंग नंबर से पता चल जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ अटका हुआ है। इसके अलावा देखा जाए अपने रीजनल सेंटर जाइए, अपने रीजनल सेंटर जाइए, रीजनल सेंटर जाके आप बात कर सकते हैं कि हमारे स्टेट सेंटर वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, बायपोस्ट भेज दिया है लेकिन हमें नहीं मिला है और ना ही हमारे पास कोई ट्रैकिंग नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में बताएंगे कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो यहाँ देखा जाए 2 तरीके हैं, पहला तो हमारे पास बनता है कि अपना उन्हीं टीचर के पास जाइए, आप उनसे ट्रैकिंग नंबर का पता करिए, और दूसरा आप जो है कि जा सकते हैं अपना एनएस रीजनल सेंटर, वहां जाकर भी आप पता कर सकते हैं आपका सर्टिफिकेट कहाँ पर है। और तीसरा आप जो एक बार अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड भी चेक कर लीजिएगा कि वहां पर भी क्या होता है कि कई बार मेंशन होता है कि आपका सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ पर है, वहां पर भी कई बार क्या होता है ट्रैकिंग नंबर वगैरह आपको मिल जाता है। तो ये 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले आप जो है चेक कर लीजिए अपना स्टूडेंट लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड, वहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह का। दूसरा टीचर के पास जाइए, अगर वहां से भी अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो तीसरा आप जो है जाइए रीजनल सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं क्या करता हूँ कि हर संडे आपके कई सारे सवालों के जवाबों की वीडियो लेकर आता हूँ, आपके सवाल हमारे जवाब, मैं वीडियो में आपके मैं कई सारे सवालों के जवाब देता हूँ। और यहाँ पर देखा जाए एनओएस की पढ़ाई से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी वीडियो है जो आपके लिए क्या बिल्कुल फ्री है। हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर पर आपको पढ़ाई को लेकर कई सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, समझाए हैं, और मोस्टली होता है क्या है कि वही क्वेश्चन पेपर में आते भी है। अगर आप जो है उन वीडियो को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं उसके बाद अपना कोई भी जो आपका स्टडी मटेरियल बनता है उससे भी तैयारी करते हैं तो आपकी जो है परसेंटेज बहुत अच्छी होने वाली है, आप पास होने के पूरे पूरे चांस रखते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, अपने सब्जेक्ट को सर्च करिए और अपने सब्जेक्ट की वहां से तैयारी करिए, साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों साथ में शेयर करिए क्योंकि यहाँ मैं आपसे किस तरह के पैसे के वो डिमांड नहीं करता। यहाँ आपके लिए क्या है एजुकेशन वीडियो जितनी भी आपके लिए फ्री है, बस मैं क्या चाहता हूँ कि आप इनसे अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, साथ में अपने दोस्तों साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों अब मैं क्या है एक नया पोस्ट करने वाला हूँ
जिसमें क्या है कि आपको अपने सवाल पूछने हैं आज से लेके आने वाले सैटरडे तक। तो आज से लेके यानी आज के हमारा पर जो है बनता हमारा पर नवंबर 8 नवंबर, और 8 नवंबर से लेके आप आने वाले जो है इस सैटरडे तक अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगले संडे वीडियो में मैं आपके उन सभी सवालों के जवाबों को लेकर मैं आऊंगा, आपके सवालों के जवाब आपको दूंगा। और यहाँ पर एनर्जी हर तरह के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं स्टूडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।